बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ईद की आमद में चंद दिन बाकी, एक तरफ महंगाई का शोरगुल और दूसरी तरफ बाज़ार में रौनकें हैं या नहीं हैं, ये दिखाने के लिए हम आए हैं कि क्या इस महंगाई की वजह से ईद की शॉपिंग भी लोग कर पा रहे हैं या नहीं। बस अब मिलेंगे आपको आवाम के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ईद आ गई उतो माशाल्लाह नून लीग की हुकूमत हूँ तो बहारा हो रही होनी ने तो बाजार च रेल पेल भी लगी हुई है, की कहोगे? नहीं बाजी, लोग आंदे आके दे दू के चले जाते हैं जी, बारह बुरा कोई नहीं है। बारह कहने लाने, बारह उन्होंने अपने लिए लानी है, साढ़े लिए कोई नहीं बारह लादी है। अभी तो हूं तक देखते आए हैं मुल्क जी डिफाल्ट हो रहा, इन हूँ असं बचाने लिए आ गए हैं। अभी हम जरा ना जी साडा रगड़ा कट दे, कट के चले जाते हैं, बस है चीज़ा चलदिया पी हैं। ये तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि वो साडे लिए काटे पे, साडे लिए कुछ नहीं किसी ने करना। नहीं, ईद ते दोहरी खुशियां नहीं ले आई, एक तरफ नून लीग की हुकूमत, पीपल पार्टी की हुकूमत। नहीं, ये नहीं है कि अगे भी तो 16 महीने इन्हां दी हुकूमत आई सी, उस इन्होंने की सानू फुल ला दिते सी। सानू तो कुछ भी, सानू तो खड़े नहीं होने दे, काम नहीं करन दिंदे। पुलिस वाले आ जांदे, चुको कटो ले जाओ, साडा तो कारोबार कुछ नहीं करन दिंदे सानू। मरियम कहो ना सानू रोजगार भी दे, अगर रोजगार देना चले जाएंगे, बस उन्होंने काम भी सारा कुछ इकट्ठा करना, टैक्स उत्ते ला देने, साढ़े उत्ते बोझ बना देना, बना के तो तुन देना सानू। चाचू हुकूमत का काम रोजगार देना होता है? नहीं नहीं कोई नहीं नहीं, नहीं हुकूमत का क्या काम है? मरियम फिर की करना आई है? कुछ भी नहीं, अपना घर पुर सीधा करना आई है, कोई और दीवारा या कोई मकान मकूनों के पुराने हुए थे उन्होंने सही करना आई है, वो साढ़े नहीं कितने करना आई है। किसी बंद दसो, कोई कोई बंद है पिट, सारे लोग खड़े भी, गवर्नमेंट ने किसी कोई फायदा दिता हो? एक मिनट मेरी गल सुनो, सारे जिन्हें बंदे आ भवे मैं, जोड़ा बेईमान बंदा होगा ना उन्होंने गवर्नमेंट फायदा दिखती है, ईमानदार बंद फायदा ही कोई नहीं। बेईमान किस तरह दे सकती है? जो बेईमान वो आप जो बेईमान है, वो आप बेईमान है, वो आप जेब च पाते हैं। खुशियाँ आ रही है, इसको दुबला करें सर। ये देखें, ये ना दो शॉपर है। अच्छा, ये 1.5 लाख रुपए के सेट है, ठीक है ना? अगर ये मैं लेने जाऊँ ना, पहले जब मैं लेने जाता था सर, ये 30 से 40 हज़ार रुपए के सेट बनते थे। अच्छा सर, इस हम लोग ये दो शॉपर 1.5 लाख के हैं जी बॉस। एक सोने दे कपड़े ने की है, मैं की कहूं सर, एक पैंट का होलसेल मिलता था 600 रुपया, हूँ होलसेल मिलता पे 1300 रुपया, ठीक है ना? असि की खाइए तो की कमाइए सर? असि गवर्नमेंट नु कोसीए तो और किनु कोसीए सर? वजीर खजाना बनाया सर, उन्होंने वजीर खजाना, आम का वजीर खजाना नहीं था लिए आया भैन की सर, साढ़े नहीं आया गा, मुस्लिम लीग नून से आया वे, शरीफ खानदान से आया वे। माँ जी मरियम आई है हूँ ईद की बारह कोई लग रही ने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अग्यान मेरी माँ। ए बेटा मेरी पोती है, 3 साल हो गए माँ मरी ने, मैं दादी हूँ, 80 साल की उम्र है मेरी। बेटा मेरा बीमार रहता है बाप, उनकी शादी रखी, रुस्कती रखी है, फिर खर्चा करता पूरा नहीं होता, ताजी कमा है और कार्ड किधर गया और कार्ड है, गरीबों की इज्जत है। पोती का कार्ड है जे? हाँ, रुस्कती करनी कोई चीज को नहीं, गरीब इन्ने मरे पे कहते। आ फोन नंबर मेरा, मैं बुजुर्ग बंदा, 4 पोतियां पोते ने, माँ मरी है, प्यो कला कमाने वाला बीमार है, कहते क्या करा, फिर कोई बड़ी तियाँ तैयारियां हक बनता मापिया से करो। सही गल है, सही गल है। शर्मिंदा मैं, शर्मिंदा के मंगियाई ने कर छा, किराया देिए पहले देिए, बच्ची की रुस्कती करिए। तो बाद है कि मेरी भैन की रुस्कती? हाँ जी, आवे तो रेट लिखी है पुत्र तरले ने गरीबा ने, क्या करें, कौन सुना है पुत, तस्दीक करें, एक तोड़े राशन दे दिते वो खा लो, और बिल आने ने जेड़े वो ना बिल तारे जाते, मीटर भी लै जाते, सारा मीटर लैके अगले लै जाते, ना तारिए
ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਮਾਥੁਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਮੇ ਰਹਤੀਆਂ ਪੁੱਤ ਅੱਛਾ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮਰੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇਰੀ ਬੇਵਾ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰੇ ਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅੰਦਰ ਅਸੇ ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲਾ ਘਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਵਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਆ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਮਰ ਗਏ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਰੀਆ ਬਾਪਾ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਆ ਕਿਆ ਖਿਜੂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਤਾਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਪੋਤੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਬੀਜੀ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਰਾਂ ਕਭੀ ਦੁਆ ਕਰੇਗੀ ਕਭੀ ਬੇਟੀ ਦੁਆ ਕਰੇਗੀ ਪੋਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰਿਆ ਵਗਰਾ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਔਰਤ ਸੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੱਲਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਬੇਟਾ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੇਟਾ ਅੰਮਾ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪੋਤੀ ਕੀ ਰਿਸਕਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਲਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਫਿਰ ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਬੇਵਾ ਰਿਸਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਧੀ ਚਾਹਣੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹੇਗੀ ਰੁਸਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 100 ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰਤੀ ਕਿਆ ਹੋ ਐਂ ਕਰਤੀ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੇਟ ਮਾਰਿਆਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਿਆਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਕਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਪੁੱਤ 80 ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਂ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਰਹਿਣੀ ਠੀਕ ਆ ਖਾਨਦਾਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਣਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਖਾ ਲਵੇ ਬੇਟਾ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਇਨਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾ ਪਤਾ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਆ ਮਾਂ ਰਹਿਤੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਆਪ ਐ ਛਦਰੇ ਛਦਰੇ ਕਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦਰਾ ਛਦਰਾ ਕੇ ਆ ਮਾਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਰੋਡ ਘਾਟੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਟੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਲਮ 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 ਪਾਰਕ ਇਲਮ ਪਾਰਕ ਇਲਮ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈ ਔਰ ਅਬ ਹਮ ਆਗੇ ਆਏਗੇ ਆਵਾਮੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਸਰ 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 ਜੀ ਚਾਚੂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜ ਨੂੰ ਆਏ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਵੱਡਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਆਨੀ ਇੱਕ ਚੁਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੇਉ ਖੋਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਚੂ ਈਦ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਾ ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਆਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓਗੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਹੀ ਲੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰਾਂ ਛੁਰੇ ਭਰੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਓ ਅੱਜ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਗਏ ਹੋ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸੇ ਮਾਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਸ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚਮਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨਗੇ ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਚਾਨਾ ਸੀ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹੀਦਾ ਮਜੀਦ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਜਮਾਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਰ ਸੀ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਥਾਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਖਲੀਫਾ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਜਮਾਤ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਆਂਡੀ ਦੇਣਾ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਕੋਲ ਲੈ ਤਾ ਕਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆ ਤਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਲੀ ਮੁਲਮੁਣੇ ਹਾਰਾ ਮਕਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਗਲੀ ਬਰੋ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੁਆਨੇ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਮਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਦੇ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਵਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਜ਼ਾ ਆਪ ਘੁਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰੇ ਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੀਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਖਲੀ ਬਾਬ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਡਾਕੂ ਮੰਮਨ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਪ ਨਿਕਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੀ ਰੌਣਕ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਾਥ ਹੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਦਫਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਕਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਈਦ ਕੇ ਸਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਲਾਤ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਦਾਦਾ ਜੇਬ ਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ 20 ਬੱਚੋਂ ਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਬਤਾਏ ਆਪ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਕੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਆਪ ਕਿਸ ਮੇਂ ਕੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਂਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਤਾਏ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੈ मुझे ये बताएं बच्चों की कापियाँ लेंगे उनके यूनिफॉर्म लेंगे उनके बैग लेंगे उनकी ईद की शॉपिंग करेंगे मुझे आप बताएं बच्चों के लिए आप ले रहे हैं कपड़े नहीं सर बहुत मुश्किल है शायद वाली बात अपने लिए तो ले ही नहीं रहे अपने लिए तो लेने नहीं ना फायदा कोई नहीं अपने लिए लेके क्या करना है बच्चे पहले बाद में आप बच्चों के लिए कहना ना अगर बच्चों के लिए करेंगे तो अपने लिए कुछ करेंगे ना बच्चों के लिए भी मुश्किल इस वक्त जो औलाद यहाँ पे हो चुके हैं ना हमारे जो औलाद इन्होंने बना दी है वो पॉसिबल नहीं उसमें औलाद इंसान भी कुछ दो वक्त की रोटी भी पेट भर के खा ले मुझे नहीं लगता इस तरह का होगा कोई ये पॉसिबल नहीं है तुसी है कितना चुके हो अजे 15 किलो दा है चुके मेहनत मजदूरी कर रहे हो ईद वाले दिन कोई कपड़े लवोगे नहीं कपड़े तो लेने ही नहीं चलो शुक्र तुसी ले लो अजान हो गई अजान के बाद सर मैं पूरी नारकली फिरता फिरता भी इधर एक बेसमेंट में आया मैंने कहा शायद नीचे कोई रश हो पीछे मैं लोहारी की तरफ भी गया हूँ वहाँ भी मायूसी है वजह क्या है कि ईद आ रही है लेकिन लोग शॉपिंग नहीं कर पा रहे लोगों का किचन नहीं चल रहा लोगों के बिल पूरे नहीं हो रहे ये चीज़ें पूरी होंगी मजदूर आदमी जो है वो आगे आएगा या कुछ चीज़ लेगा हम खुद नहीं अपने बच्चों के लिए अभी तक कुछ खरीद सके हालांकि हम खुद अनारकली में बैठे हैं अपने लिए कुछ नहीं लिया घर वालों के लिए कुछ नहीं लिया सिर्फ इस सोच में है कि हम अपना इस त्यौहार को एडजस्ट कैसे करेंगे आप अनारकली में और आप अपने बच्चों के लिए मैंने नहीं लिया मुझसे जिस किस्म की मर्जी आप यानी क्या कहें कि कसम भी ले सकते हैं कसम की लेनी हमने अभी तक अपने बच्चों के लिए एक कोई यानी कह लें कि एक शर्ट कह लें या एक शर्ट का बटन कह लें वो भी नहीं ले सके तो क्या करेंगे हम जब हमारी ये हालत है तो पाकिस्तान के बाकी लोग जो हैं जो तो बच्चे फरमाइश तो करते होंगे कि हमें चीज़ें चाहिए बस उनको किसी न किसी टाल देते हैं बेटा कल ले आएंगे सुबह ले आएंगे परसों ले आएंगे तो हमें अभी तनख्वाह नहीं मिली अभी हमें सैलरी नहीं मिली बस उनको इसी चक्कर में डाल के तो हम वक्त गुजार रहे हैं और ये हुकूमत की समझ नहीं आती कर्ज़े ले रही है लेकिन आवाम को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं जितने भी कर्ज़े उठा रहे हैं वो उतारने हमने कर्जे वो लेते हैं अजाब जो है वो पब्लिक जो है वो भुगत रही है तो हमें फिर से देखें दुकानदार है अनारकली में एक यहाँ बैठे हैं भाई वो हमारे बड़े भाइयों की तरह वो कहते हैं मैं अभी तक अपने लिए तो दूर की बात अपने बच्चों के लिए भी नहीं ले सका क्योंकि कमाते तो इंसान बच्चों के लिए बिल्कुल बच्चों के लिए घर का किचन नहीं चल रहा पहले ये होता था अफ्तारी के वक्त काफ़ी सारी चीज़ें होती थी अब शरबत बना लिया खजूर ले ली यहाँ भी यही पोजिशन है कैमरा मैन साहब जरा दिखाएं मार्केट की हालत देखें आपके पूरी मार्केट में सिर्फ दुकानदार चलते फिरते नजर आएंगे कस्टमर आपको नजर नहीं आएगा पूरी मार्केट में ये हालात है कारोबार डेड हो चुके हैं बिल्कुल सारा सारा दिन बैठ के हम खामोशी से जब दुकान खोलते हैं ना तो हमें खर्चा पड़ जाता है जो यहाँ का किराया है बिल है बाकी अखराज आते हैं अफ्तारी का खर्चा है लेकिन शाम के वक्त जब हम अपने गले को देखते हैं कि यार हमने खर्चे कहाँ से पूरे करने हैं खाली पड़े होते हैं ये हालात हैं बिजनेस के
अल्लाह ताला सानी करे। थैंक यू सर। व्यूअर्स, ये दुकानदारों के ये हालात हैं। पीछे भी एक साहब हैं, वो भी मेरा ख्याल है फारग ही बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर खैरियत से? सर वो तो कह रहे हैं ना मैंने अपने लिए ना अपने बच्चों के लिए। आपने लिया बच्चों के लिए कुछ? ईद तो रह गए, अब दो तीन दिन की बात है, बीच में छुट्टियाँ आ जानी है वैसे भी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो मामलात हालात माशियत हमें छोड़ दें, जो हमसे हाई तबके भी हैं वो भी यकीन करें कि उस टाइम उनको भी कुछ समझ नहीं आ रही, इतने पजल हैं इतने मामलात में, असल किसी तरफ से भी कोई आसानी सहूलत नज़र आती नहीं, ना ही आपके बजट में है ना ही आपके खर्च अखराजात में कोई कमी है, किसी तरफ से कोई आसानी नहीं। बाकी बस अल्लाह ताला खैर वाफियत करे। आमीन। एक नौजवान बैठा है, बदर कैसा काम चल रहा है? काम बस वक्त को धक्का लगा रहे हैं। वक्त को धक्का? सीजन जो होना चाहिए वो ऐसा नहीं है। नहीं है। देखा जाए बेसिकली तो इन दिनों में काम जिस तरह हम बैठे हैं इस तरह नहीं होता, यहाँ तक कस्टमर का जो है वो काफ़ी रश रहता है, लेकिन अभी तक आपके सामने मार्केट की सूरत हाल। अगर आप तो ऐसे सन्नाटा बुरा ना मानिएगा, वाकई कब्रिस्तान का मंजरनामा पेश हो रहा है। बिल्कुल कब्रिस्तान, माजरत के बिल्कुल साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कब्रिस्तान का मनाजिर जो है वो पेश कर रहा है, मार्केट की सूरत हाल होनी नहीं चाहिए। और रिटेल में काम होगा तो होलसेल में काम जो है वो ऑटोमेटिकली निकलता, रिटेल में काम ही नहीं है, कस्टमर की जो है वो खरीदे जो है गुंजाइश ही नहीं है कि वो गारमेंट्स का या कोई और ऐसी चीज़ है। ईद आ गई, ईद में तीन का दिन रह गए मैक्सिमम। बिल्कुल बिल्कुल, बीच में तो एक दिन छुट्टी का ना, छुट्टी भी नहीं, लोगों ने चले भी जाना है लाहौर से बाहर चले जाते हैं लोग बेसिकली। अगर बुध की ईद है ना तो आई बिलीव पीर तक लोगों ने मूव कर जाना है। कुछ लोग तो चले गए होते हैं, जैसा हमारा यूनिट है तो हमने 25वें रमजान को जो है वो कारीगरों को सैलरीज वगैरह देकर फ्री कर दी है। दिस इज माय पॉइंट। तो अब वो अपने अपने शहरों में चले गए हैं, अब यहाँ के जो रिहायशी हैं वो अगर शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो तभी जो है वो हमें को बेनिफिट नजर आएगा, अदरवाइज तो हम फ्री बैठे हैं। घर क्या लेके जाएंगे, बच्चों को शॉपिंग क्या करवाएं? अभी तक मैंने अपने बच्चों को शॉपिंग नहीं करवाई। आपने अपने बच्चों को शॉपिंग अभी नहीं तक नहीं करवाई? अब कुछ यहाँ पर कमाएंगे तो शॉपिंग करवाएंगे ना, जब कमाएंगे ही नहीं तो शॉपिंग कहाँ से करवाएंगे। ठीक है, आपकी राय आपकी राय। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू की हाल है? अल्लाह का करम जी। तुसी नार के लिए गए हो? हाँ जी। बीवी बच्चा नहीं होता, बंदा घर वाले नहीं होता? हाँ जी। की थी शॉपिंग की है तुसी? नहीं जी, अरे पैसे थे को मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी जो कोई अपने घर ढेडी पूरा होता सारा दिन मेरा चाचा। अस्सलाम वालेकुम। सर ईद की शॉपिंग? जी जी बिल्कुल की आपने? जी जी बिल्कुल किया सर। महंगाई थी या नॉर्मल है हालात? यकीन करें हाथ नहीं लगाया जा रहा किसी चीज को, इतनी को ज्यादा महंगाई हो गई है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। जो सूट समय लेके 1500-2000 का मिलता था वो 4000 का चला गया हुआ है, 5000 का चला गया हुआ है, क्या करें हम, ना सैलरी भरी है ना कुछ और भरा है, सिर्फ महंगाई भरी जा रही है बस। तो अब तो आप ही मरियम आ गई हैं, अब तो खुशियों की आप ही मरियम आई हैं। आप ही मरियम किसके लिए आई हैं सर? आपके लिए, इसके लिए आई हैं आप ही मरियम? हमारे लिए कुछ करेंगी तो हमें पता लगेगा ना, अभी तो वो सिर्फ चक्कर ही लगाई जा रही है, फिर ही जा रही है बस, वो उधर चलेंगी उधर चलेंगी, फोटो शूट में मसरूफ है अभी तक तो। आप ही मरियम किसके लिए आई हैं भाई को बताएं? वो तो अपने लिए आई है, हमारे लिए थोड़ी आई है। मेरे आपके लिए नहीं आई? नहीं जी। इसके लिए नहीं आई? नहीं। आती तो हमें कोई ईद पे रिलीफ तो देती ना यार, कोई ना कोई हमें पता लगता कि वो आई है। क्या रिलीफ दिया? और पेट्रोल बढ़ा दिया, इसलिए तो बढ़ाया कि डिफॉल्टर ना हो जाए मुल्क। हाँ जी हाँ जी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं मुल्क में, बड़ा काम कर रहे हैं, यानी कोई बुरे हालात है? बहुत बुरे, बहुत बुरे हालात। ये देखिए आप बताओ क्या हालात है। नहीं वाकई आम आदमी तो पिस गया यार, बहुत ज्यादा महंगाई है भाई, यकीन करें वाकई बहुत ज्यादा महंगाई है। जितने मर्जी पैसे आप लेके आ जाओ समझ वो काम नहीं है। अपना हमने कुछ भी नहीं लिया अभी, अपने लिए कुछ लेंगे पता नहीं, अगर बचेंगे तो ले लेंगे, तो चलो बच्चों को तो ईद हो जाएगी ना, बोलोगे क्या ईद मनाएं यार। मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास बैठा था, बल्कि उनका ये आजकल काफ़ी मशहूर है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो कह रहे महंगाई की वजह से मियां बीवी में लड़ाई भी हो जाती है। बिल्कुल होती है, ये फैक्टर दुरुस्त है? बिल्कुल है, ये लड़ाई करके हम ये दो दिन बाद आए हैं। अच्छा बहन ने लड़ाई की है तो आप आए हैं? बिल्कुल आए हैं, नहीं तो आए तो चली थी बेचारी पीछे, कहती मैं जा रही हूँ फिर। नहीं ये हकीकत, मजाक से हटके, मजाक से बीवियों का प्रेशर होता है ये भाई, ये प्रेशर की वजह से मैं आया हूँ, पता नहीं किससे पैसे लिए हैं, किसने लिए हैं करके, तो ये बच्चों के ये कपड़े लेने के लिए आए। नहीं आपको इतना तो अंदाजा होना चाहिए कि अगर भाई नहीं अफोर्ड कर सकते, आप ये कहती मैं पीछे जा रही हूँ, आप मेरी बहनों की इतना तो क्यों है, इतना इंतहाई कदम क्यों?
तंग हो जाते हैं ना यार बंदा, वो कहते हैं क्या करें हम, वो बच्चे जिद करते हैं, इसमें माँ भी क्या करे, जब साथ वाले कोई लेके आएगा कपड़े तो वो बच्चा ये नहीं कहेगा वो पापा मामा वो ले गए हैं तो हमारे लिए भी ले गए हैं, क्या करे फिर माँ उसमें क्या करेगी, माँ ने फिर हमें ही कहना है ना, किसको कहना है, और ठीक है जी। राजू तुसी दसो, तुसी इत्थे रेहड़ी लांदे हो, हां जी, तुसी कोई हिसाब लाया? हां जी। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਲੈ ਪੈ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਕੀ ਕਰੀ ਬੈਨ ਆਈ ਮੈਂ ਚਾਚੂ, ਆ ਰਹਾ ਹਾਂ ਬੈਨ ਪਹਿਲੇ। ਜੀ ਜੀ ਬੈਨ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਖਰੀਦੇ ਕਪੜੇ, ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਹਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ 1000 ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, 3000 ਦਾ। ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਕੱਲੇ ਐਵੇਂ ਆਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੇਟਾ ਇਧਰ ਆ ਜਾ। 1000 ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ, 3000 ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਖਰੀਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਧਰ ਕਪੜੇ? ਬਾਜੀ ਅਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਕਹਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੋ ਯਹੀ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇਨੇ। वो भी रो रहा है। हाँ जी यही बात है ना, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई भी है, क्या करें इंसान, क्या इंसान करके पूरा कर ले या कपड़े खरीद ले, कपड़े लेने आई तो इतने अपने लिए लेने आई है, बच्चों के लिए अपने भी लेने हैं, बच्चों के भी लेने हैं, अभी तक नहीं लिए। कितना बजट है आपका? मैं तो लेकर आई हूँ, कम पैसे लेकर आई हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं 1000 का सूट नहीं दे रहे, वो 3000 का कह रहे बच्चे का, छोटे का, छोटे बच्चे का सूट 3000 का, 3000। आपने कुछ लिया ईद पे अपने लिए? हाँ जी, क्यों नहीं लिया, क्या लिया है? 8 सूट लिए मैंने। माशाल्लाह, क्या करते हो आप? मैं दुकान पे काम करता हूँ। 8 सूट ले रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं यार, कोई हमें भी ये तरीका बताओ, चाचा ने भी दसो। है जी, मरियम नवाज ने रेट दी है आपको? मरियम ने रेट दी यार, मरियम रेट दे या ना दे, हम नून लीग के फैन है और रहेंगे, बस बात है सीधी। अच्छा, बात ये नहीं है कि वो दे तो फिर फैन है, ना दे तो फिर फैन नहीं है। इधर आ जाओ, नून लीग के फैन है। हाँ जी, बस आपने 8 सूट लिए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारा क्या कुछ लिया है। वो कौन सा कारोबार करके 8 लिए यार, हमें भी बताओ, मेरे प्रोड्यूसर को मेरे थोड़े पैसे इकट्ठे करते गए, अब हो गए, अल्लाह पाक ने दिए तो ले लिए हैं बस, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके। चाचू ऐ तो कह रहे मैं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके ले लेते ने। नहीं नहीं जी, थोड़े थोड़े नहीं, ये सारे नूंगी की है। हां हां, इन्हें सारी मदद आई, इन्हें सारे ने सारे काम करके ना फेल है। अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई मदद आई है ठीक है, और ना मदद लेना चाहते हैं, मुस्लिम नूर लेके कारकुन रहेंगे और हमेशा रहेंगे, मरते दम तक नवाज शरीफ हमारे दिलों में बसता है और बसता ही रहेगा बस। एक बात बता दो, एक बात बता दो जी, मुझे ये जज्बा चाहिए, मुझे खुशी हुई आपने मियां नवाज शरीफ की तारीफ की, मेरा भी हौसला भरा है। अच्छा, मेरा भी लव है मियां साहब। अच्छा, लेकिन सवाल सिर्फ ये है, बाकी नवाज शरीफ से नाराज क्यों है, इनके दिलों में क्यों नहीं बसता? बाकी का नहीं पता, हमें सिर्फ हम खुश है बस, बाकी महंगाई भी हो जाए खुश है, बेशक हम खुश है, हर हाल में हम खुश है, जैसे भी हालात रहेंगे, अगर भूख नंग फलास आ जाए, मैं एक ही नारा लगाता हूँ, जैसे हालात रहेंगे मियां साहब हम तुम्हारे साथ फिर रहेंगे। एक बात क्या के खत्म कर रहा हूँ, एक वक्त ऐसा है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे तुम्हारे पास अद्वियात के पैसे ना हो और तुम्हें पता हो कि तुमने बस कुछ देर बाद दुनिया से जाना है, और कफन भी, एक मैं आम आदमी की बात करूं, मौत का किसी को नहीं पता, मौत अल्लाह के हाथ में है ना, कफन भी उधार लेकर मैंने दुनिया से जाना है तो फिर भी मियां लव है यार, मियां हमारे दिलों में बसता रहेगा, मौत अल्लाह के हाथ में है, जो रात कब्र में महंगा हो जाए बस, सब कुछ महंगा हो जाए, मियां का साथ में कफन पाऊंगे ही नहीं, आग ला लेंगे कफन ही पाऊंगे, ऐसे कहां काम कर लेंगे, मैं ना करो, वो कह रहे हैं एक भाई नु कहंदे है ना, असि कफन पाउना ही नहीं, ये उधर बैठ के चल जाएंगे, कह रहे कोरोने जा गया। चाचू नहीं, मैंने गल दसो, वो कहता जिन्नी मर्जी महंगाई हो जाए असं मियां नाल ले गए, असं कदों कहने मियां नाल ले जा मियां नाल रहन, पर ये लोगों ने यही हाल है रहना, जिहड़ा मर्जी आ जाए यही पुछ, गरीब मर गया, गरीब मारिया गया, गरीब नहीं मरता। दोस्त ईद की शॉपिंग की आपने जी? ईद की शॉपिंग की नहीं, अब मैं तो इधर रेडी लगाता हूँ, निमको के रेडी लगाता हूँ। चलो तुम रेडी लगाते, तुम्हारा हक तो है ना ईद पे कपड़े लेने का ना। हाँ। मैं तो आया आम आदमी के पास। हाँ जी, हमने लिए लिया कपड़े अभी, अभी नहीं लिए, महंगाई यार इतने नहीं लिया, अभी नहीं लिया। हाँ सर, आपने अपने लिए कुछ लिया? चले शुक्र, अच्छी बात है। अभी इन लोगों ने बोला था कि 300 यूनिट फ्री का लेगा, फलाना कर लेगा, पर अभी तो कुछ भी नहीं किया, और ज्यादा महंगाई कर दिए, बिजली भी महंगा कर दिया, गैस भी महंगा कर दिया, वोट ले लिया 300 रुपये यूनिट तो माफ करता, और वोटा ने हर बंदे तलका, वोटा बगैर हूं नहीं करना, तेलों करना, और हर बंदे ने गल कहनी 300 तो 500 यूनिट कर दो, वो वोटा का इसका कहने से मैं 300 यूनिट आवाम में माफ करूंगा, जरदारी का मुंडा कितने गया हूँ, हूँ बिलावल भुट्टो कितने गया जो कहता मैं जी 300 यूनिट माफ करूंगा, हूँ मैं अपने मरियम नवाज साहब कितने आ, कभी आया कोई इंटरव्यू भी 300 यूनिट माफ करा, हूँ रोज़ आता 110 रुपये बढ़ गया जी, 5 रुपये बढ़ गई शायद जी, 10 रुपये बढ़ गई, रात 10 रुपये तेल बढ़ गया, उधर नहीं कोई पुछता हूँ। चाचा तू कितनी देर रेहड़ी लाना, क्योंकि तू लखा लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तुम कितनी देर रेहड़ी लाते हो? मैं रात सारी रात सारा दिन इतने ही हूँ,
अपने लिए तो बच्चों ने कपड़े नहीं लिए कपड़े जो कि पैसे बने तो नारकली के बिच बैठे हो नारकली के बिच बैठे हैं ला इला इल्ला अल्लाह सुभान अल्लाह दस करे बंदा की आ मजदूरी कर रहा रेड़ी को हालांकि हर बंदे को पता बस बात ये है जो आपने अभी आयत पढ़ी है ना बस बात ये है ला इला इल्ला अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं कुंतु मिन ज़ालिम इससे आगे बात नहीं है किसी हुक्मरान का कोई कसूर नहीं है हमने पहले अपने आप को सही करना है हम इधर जितने लोग भी हैं मैं हूँ ना ये बेच रहा हूँ बिनाने मैं किसी को 200 की दूंगा किसी को 250 की दूंगा जहाँ दाव लग गया जिसे छुड़ा इसको सही करूँ मैं एक रेट रखूँ महंगाई हुक्मरान नहीं इतनी करते जितनी हम लोग अवाम खुद लेकिन हुक्मरान के पास कंट्रोल होता है ना यार आप तारीख उठाकर देख ले हुक्मरान कंट्रोल करना चाहे तो विद इन नो टाइम कर सकता है कंट्रोल करते हैं लेकिन बात ये है कि एक बात है छोटी सी सर मैं अपनी मिसाल दूंगा ये इधर कोई भी है ना हम कोई जराइम करते हैं ना तो जब कोई पकड़ने वाला आता है कोई उधर से तलक वाला आ जाता है कोई उधर से रास्ता ना रोके कोई प्यार से जान छुड़ा लेते हैं कोई पैसे दे देते हैं इस तरह सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं वो लोग ये सब लोग पहले मैं सही बात है सही बात पहले अपने आप को सही करूंगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा कोई नवाज शरीफ नहीं कोई इमरान खान नहीं मूसा जट्ट पाकिस्तान के दिलों च वसदा सिद्धू मूसे वाला वेरी गुड इमरान खान ने तारीफ की अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नारकली आम आदमी से पूछता रेहड़ी बांध से भी पूछा दुकानदार से भी पूछा फैमिलीज वालों से भी पूछा मैं तमाम लोगों से पूछ रहा हूँ जिनका किसी भी शोबे से ताल्लुक है आप रिक्शा ड्राइवर हैं जी जी कितनी देर रिक्शा चलाते हैं आप मैं तकरीबन 8 से 10 घंटे चलाता हूँ 8 से 10 घंटे ठीक है यानी बेस्ट अपना दे रहे हैं जी जी शुक्रिया ईद की शॉपिंग अपने लिए की पहले तो ये बताएं नहीं क्यों इतने अखराजात महंगाई इतनी है गैस के बिल इतने हैं बिजली के बिल इतने हैं इतनी आमदन नहीं है जितने खर्चे हैं फैमिली के नहीं बने तो मेरे कहाँ से बने मैंने तो फैमिली के बने बच्चों के लिए भी नहीं की नहीं अभी तक कुछ नहीं किया ना बच्चों के लिए की ना अपने लिए नहीं कोई इरादा है कि इरादा भी नहीं है अल्लाह ताला कोई मिसाइल बना देगा तो दे लेंगे नहीं तो अल्लाह क्या करें इतना काम नहीं है इतनी दिहाड़ी नहीं है कि हम लोग इतने महंगे बच्चों के कपड़े या अपने कपड़े अफोर्ड कर सकें हालात पहले जैसे नहीं है गैस के बिल देखें पिछले माह आया 15,000 इस माह आया 11,000 अब आगे देखें कितना बिल आता है यानी तकरीबन आपका 26,000 सिर्फ गैस का 2 महीने के अंदर आया छोटा सा घर है 1.5 मरले का घर है किराए का रेंट घर है ठीक है और एक फैमिली है 3 मेरे बच्चे हैं 2 हम इतना बिल आया है वो पता नहीं कहाँ से पकड़ करके दिया है वो कर्जा नहीं उतरा तो ईद की शॉपिंग कहाँ से होगी ये बताएँ रिक्शा अपना है किराए का रिक्शा अपना है रिक्शे की हालत भी देखने कैसी है पुराना रिक्शा है बस अल्लाह का शुक्र है गुजारा रोटी बस पूरी हो रही है इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वो भी अल्लाह ताला बस सिस्टम बना रहा है ये आप मैं तमाम लोगों के पास गया हूँ ये एक तमाम मकतबा यानी मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से इनके ताल्लुक हैं आम आदमी की बस हुई पड़ी है वो ईद के कपड़े तक नहीं ले पा रहे सामने एक और खड़े हैं भाई अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम चाचू की हाल है ठीक है शुक्र अल्लाह का कितनी देर रिक्शा चला रहे हो गए 10 साल कितने घंटे चलाते हो सुबह नमाज पढ़ के रिक्शा शाम को घर चला जाता अफ्तारी से पहले अफ्तारी के बाद अफ्तारी से पहले चले यानी कोई 10-12 घंटे जी ईद की शॉपिंग की है जी क्या लिया है बच्चों ने लिया है अपने लिए की है हाँ जी क्या कपड़े लिए उधर मुँह कर लें यानी आपने अपने लिए कपड़े ले लिए हैं जी जी आगे एक और भाई खड़ा है अस्सलाम वालेकुम ब्रदर खैरियत से हो अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो शॉपिंग की है शॉपिंग क्या करनी है आपके सामने हालात हैं
यार हर बंदा ही कह रहा है, हर बंदा कह रहा है, सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा आपको। मैं दुकानदार के पास गया वो मायूस, मैं रेहड़ी पान के पास गया वो मायूस, मैं फैमिली के पास गया वो मायूस। खाना पीना पूरा करेंगे, कपड़े पूरे करें, एक बिजली का बिल दें, एक गैस का दें, पानी का दें, कितने बिल हैं, कितनी चीज़ें हैं, क्या 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 करेगा एक इंसान। और एक मिसाल, अगर एक बंदे का घर किराए पे है, वो क्या करेगा बेचारा, जिसकी 15,000 रुपये सैलरी है, 18,000 रुपये सैलरी है, क्या करेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछने आया हूँ, वो नहीं करेगा शॉपिंग भाईजान, उसके बच्चे तो फिर असासे में रूमी में चले जाएंगे, जा रहे हैं, चले गए जाएंगे, चले गए हैं। जब एक इंसान 10, 12, 14 घंटे काम करके भी सिर्फ ईद के कपड़े ना ले सके, वो तो फिर ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाएगा। हो चुका है, लोग अपना खाना नहीं पूरा कर पा रहे, आप कपड़ों की बात करते हैं। आप मार्केट आए हैं, आप विजिट करें पूरी मार्केट, आपको पता लगेगा। अभी मैं अपने यार के दसो बच्चे नहीं लोग ले सके, की कह रहे हो, अपने तो बड़ी दूर की गल है, बच्चों की नहीं ले सके लोग, इतना परेशानी से बनी गई। चाचू फिर बंदा मेहनत किस लिए करता है, टैक्सों के पीछे, बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, गैस के बिल, किनू कहो, कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनने वाला। चाचू गूंगा बैरत नहीं है साडा लीडर, वो क्यों नहीं सुनता, जो भी हाकम है जेरी मर्जी जिस मर्जी जमात से उसका ताल्लुक हो, क्या उसने कानों के अंदर कौन सा ऐसा सिक्का डाल लिया फिर, ये कौन सी रुई डाल ली है, कौन सी कॉटन डाल ली है। ना तो उन्हें रुई डाली, ना उन्हें कॉटन डाली है, सिर्फ ये कि साढ़े लोगों को थोड़ा जहा शऊर आ गया है, इंसान को दे गया है कि सियासत की होती है, वो होंगे बावजूद भी इन्होंने लोगों ने जो करना सी कर दिता है। दूसरे नंबर से जी महंगाई है, वो गरीब की पहुँच तो छड़ के अमीर की पहुँच तो बाहर हो गया, बिल्कुल हो गया। ये तुम भी वैसे पाकिस्तान रहते तो अभी भी इतने ऐसे ही है, ठीक है। दूसरे नंबर से अज साडा मुल्क एहो लोगों के इंसानियत आ जाए, चाहे मेरी किसी बुरी लगे, साडा मियाँ नवाज शरीफ है, जरदारी साहब ने, यह दो बंदे ता जिंदगी हुकूमत की जाते, सू तो टेंशन को नहीं, सू रोजी ना ही है ना, इंसान अच्छा कपड़ा मिल जाए, खाने को जगह मिल जाए, सहूलत मिल जाए, तो सू जो मर्जी आ जाए। जरदारी साहब कल जाए तो पाकिस्तान का कर्जा ला सकते, नवाज शरीफ कला जाए तो पाकिस्तान का कर्जा ला दे, ला दे। क्यों लाए चाचू, पाकिस्तान का कर्जा लावे, सुकून ना हुकूमत करे, क्यों लाए, वो क्यों लाए कर्जा, मैं दसो ना, खादा भी है ना ही, असी खादा है, वो कहंदे साबित करो मैं खादा, वो कहंदे मैंने धेले की करप्शन ही की, धेले दी नहीं कीती, वड्डियां दा कीतियां ने ना, ओ ए किधर गया, यानी तुहानू लगदा जरदारी साहब दे नवाज शरीफ दे कोल इन्ना पैसा पाकिस्तान दा कर्जा, एक 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 जना कल्ला ला सकदा है, एक जना, और साडा वो जेड़े टैडी पैसा ने फिर जिंदा हो सकदे ने, जेड़े तुहाडे जम्मू तो पहले ਸਾਡੇ ਜੰਮੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੈਡੀ ਪੈਸੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੱਸ ਇਹਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਜੀ ਦੁਬਈ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਹਤਰੀ, ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵੀ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਲੋੜ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਕਾ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੇਖਣ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਂਹ ਫਿਰਦੀ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੁੰਮਦ ਕਰਨ,
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਨਾ ਡੈਡੀ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਰੋਜੀ ਲੱਭੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚਾਚੂ 125 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ 127 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਛੋਰਛਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕੱਖ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੰਬਾਈ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਲਾਮ ਵੀਅਰਸ ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਰਾਏ ਆਪਨੇ ਸੁਣੀ ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਿ ਅਵਾਮ ਮੇਂ ਜਾਊਂ ਔਰ ਅਵਾਮ ਸੇ ਇਹ ਪੁੱਛੂੰ ਕਿ ਕਿਆ ਆਪ ਈਦ ਕੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਯਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਯਕੀਨ ਕਰੇਂ ਮੈਨੇ ਬੜੀ ਮੈਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀ ਮੈਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਪੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲੋਹਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਝੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਤ ਔਰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਬਤਾਊਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੋਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਕੇ ਆਗੇ ਆਤੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਰੱਖਾ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਰੱਖਾ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਰੱਖਾ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੰਗ ਹੈ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੈਮਰੇ ਕੇ ਆਗੇ ਆਗੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦੁਖਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਸੁਣਾਊਂ ਔਰ ਮੁਝੇ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਅਕਸਰੀਅਤ ਉਨ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੰਗ ਵੋ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਮਰੇ ਕੇ ਆਗੇ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕਾ ਗੁਬਾਰ ਨਿਕਾਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਆਪਕੋ ਹਰ ਤਰਫ ਸੇ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਤੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਠਾਊ ਨਾ ਇਮਾਨ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਪੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਊਂ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੁਝੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਮੇਂ ਮਿਲੇ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਂਡ ਥਾ ਅਨਾਰਕਲੀ ਕਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਮੇਂ ਸੁਣਾ ਕਰਤਾ ਥਾ ਅਨਾਰਕਲੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਇਹ ਤੋ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆਜ਼ ਮੇਂ ਮਾਰਟ ਅਪ ਬਨੇ 8-10-12 ਸਾਲੋਂ ਮੇਂ ਤੋ ਯਹਾਂ ਕਾ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਡ ਜਿਸੇ ਹਮ ਕਹਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋ ਬ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਲਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੋ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕ ਹੋਟਲਸ ਹੋਟਲਿੰਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਗਾੜੀਓ ਮੇਂ ਫਿਰਤੇ ਹੈ ਐਸੇ ਕਰਤੇ ਵੈਸੇ ਕਰਤੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬੰਦੋ ਉਨਕੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲੋ ਜਬ ਇਕਲਿਬਰੀਅਮ ਜੋ ਹੋਤਾ ਨਾ ਯਾ ਜਿਸੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਈ ਆਰ ਮੈਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ੇ ਗੈਰ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਇਮਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ੇ ਉਹ ਜਿਸੇ ਕਹਿਤੇ ਨਾ ਅਨਈਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਹੈਵਸ ਔਰ ਹੈਵਸ ਨੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਕਾ ਇਸਮੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪ ਚੰਦ ਲਾਖ 25 ਕਰੋੜ ਮੇਂ ਸੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਅਗਰ ਚੰਦ ਲਾਖ ਲੋਕੋ ਕੋ ਆਪ ਹੋਟਲਿੰਗ ਕਰਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਲੇਤੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੋ ਕੋ ਰੋਨੇ ਕੀ ਆਦਤ ਪੜ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕੋ ਕੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 3,000 ਕਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾ ਬਿੱਲ 15,000 ਮੇਂ ਗੈਸ ਕਾ ਬਿੱਲ 44,000 ਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਆਪਕੇ ਫੋਰਟ ਸੇ ਬਾਹਰ ਤੋ ਫਿਰ ਯਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਖਾਤੂਨ ਆਈ ਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾ ਜਬ ਘਰ ਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾ ਬਿੱਲ ਆਤਾ ਨਾ
तो आपकी इज्जत, आपकी खुददारी, आपकी खुदी, आपकी डिग्निटी, आपका स्टांस, आपकी आइडियोलॉजी, आपके असूल, आपके नैरेटिव, आपकी तरबियत, आपकी कस्टम्स, आपकी ट्रेडिशंस, आपका रख रखाव, आपकी वजादारी, आपके बड़ों की तरबियत, आपके अंदर की तमीज़, आपके अंदर की कॉन्शियसनेस, अच्छाई है बुराई है, हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। इंसान कहता है यार कितनों बिजली का बिल चुकावा, एन होए जी तो भैन का अगले रिश्ता वेखना है तो बार मीटर हीटर मीटर वो बिजली का मीटर कट रहे होए, वो बड़ी वड्डी जलालत है ये महल्ले च। तो तुसीं चंगे भले ताडे वड्डे ताडे दादे उस घर तो जिन्हां दे जनाजे उठे होन, ठीक है, जिहड़े रख रखाव नाल वजादारी नाल रहे होन, उन्हां दे घर हुण बिजली वाला मीटर कट रहे होए कि मीटर नहीं असीं जमा किया, तो उस घर वाले वैसे कहणगे यार जमीन खुले सी असीं अंदर वर जाए जमीन दे। आई एम नॉट हेयर टू बी पैसिमिस्ट, आई एम नॉट हेयर टू एक्ट एज ए पैसिमिस्ट, आई डोंट वॉन्ट टू बी होपलैस, आई डोंट वॉन्ट टू मेक यू होपलैस, बट द थिंग इज दिस, वन मस्ट बी रियलिस्ट। एंड हालात यही हैं कि इस वक्त हुकूमत को, हुक्मरानों को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, अपने अल्ले तल्ले अपने खर्चे कम करें। आज मैंने कहा मैं लोगों का वो लोगों की ओपिनियन ला तो मैं अपनी भी लाऊँ, बस दुआ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इस दुआ के साथ कि अल्लाह अकल इस्लाम के नालैन पाक के सदक़े ये जो रमज़ानुल मुबारक का अशरा है, आखिरी अशरा चल रहा है, ये अपने अख्ताम को पहुँच रहा है, इसके इस माह मुबारक के सदक़े इसमें जो जो लोगों ने कुरान मजीद की तलावत की है, लोग इतकाफ़ में बैठे हैं, दुरूद पाक पढ़ा जाता है, और सबसे भरकर ये मुल्क कलमे के नाम पर लिया गया है। वरना इंडिया में आप नमाज भी पढ़ते थे, आप हज करने भी जाते थे, सब कॉन्टीनेंट की मैं बात करूँ, जॉइंट इंडिया पाकिस्तान में आप ज़कात भी देते थे, आप सब कुछ करते थे, आप कारोबार भी करते थे, मेरे दादा जलंधर में ठीक ठाक कारोबार करते थे। हम यहाँ इसलिए नहीं आए थे कि सिर्फ हमने एक चंद ख़ानदानों को या चंद सियासी जमातों को या करप्शन को या इंस्टीट्यूशनल डिके को हमने यहाँ सपोर्ट करना था, हम इसलिए आए थे कि यहाँ हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकें कि यार मेरा बेटा इस मुल्क में कलमे के नाम पे जो मुल्क लिया गया, यहाँ उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट मिले, वो यहाँ पर एक प्रोडक्टिव टूल बन के इस सोसाइटी में रहे। हमने क्या कर दिया यार इस मुल्क के साथ, बस आज मैं पहली दफ़ा इतना लंबा अपना एक्स्ट्रा दिया कि शायद मैं कहा मैं भी अपने जज्बात आपके साथ शेयर करूँ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह अकल इस्लाम के नालैन पाक के साथ हम सबके लिए सानिया पैदा करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने